माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए सेलेटेक्स ब्रांड के सूट पे डिजाइनिंग लेके आई हूँ। ये मेरे दो शर्टें जो मैंने स्टिच की हैं, एक ये और एक ये। मैं आपको दोनों की डिजाइनिंग दिखाती हूँ, दोनों पे मैंने डिफरेंट स्टाइल्स बनाए हैं। चले आए मैं आपको अब जो पहली शर्ट है उसकी डिजाइनिंग दिखाऊँ जी। ये बोट नेक बनाई है और इसके अंदर ना ये ट्राइंगल्स लगाए हैं नफीस से। बहुत बड़े नहीं लगाने आपने, छोटे छोटे नफीस से ट्राइंगल्स लगाने हैं। उसके बाद ये यहाँ से मैंने इसे कट दिए हैं, कट लगा के इसके अंदर भी मैंने ट्राइंगल्स लगाए हैं। ये देखें, जब ट्राइंगल्स छोटे होंगे ना तो आपको वो काम में बहुत ज़्यादा नफासत नज़र आएगी, वो खूबसूरत लगेंगे और स्टाइलिश लुक आएगी। मैं आपको अपने स्लीव्स का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये स्लीव्स देखें आप, इस पे मैंने ये जो बॉर्डर था शर्ट के साथ ही मिला था, उसको मैंने राउंड में कटिंग करके, ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, राउंड में कटिंग करके मैंने ये बाजुओं के आगे लगाया है। और इसके अंदर जो पलटा है वो भी शर्ट का ही कपड़ा था इस तरह का, वो मैंने इसके अंदर पलटे के तौर पर लगा। देखें जी, अब मैं आपको दामन का स्टाइल दिखाती हूँ। दामन पे इस पर सारी बड़ी खूबसूरत नफासत के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके दामन पर भी मैंने यही पैच लगाया है सर्कल में। ये देखिए कितने खूबसूरत सर्कल मैंने बनाए हैं और सर्कल के नीचे मैंने शर्ट का फैब्रिक यूज़ किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। और फिर साथ मैंने इस साइड पर चाकों पे अंदर फोल्डिंग नहीं लगाई, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर लुक हो जाता है। यहाँ से ये चीज़ बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको इस शर्ट की बैक दिखाती हूँ, दिखाती हूँ बैक साइड पर। देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट है। इस पर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, सिर्फ ट्राउज़र का पीस फोल्डिंग के तौर पे, ये देखें जी शर्ट के नीचे मैंने ट्राउज़र का पीस फोल्डिंग के तौर पे लगा दिया है। और अब इसके बाद चले मैं आपको अपनी दूसरी शर्ट दिखाती हूँ, सेरीटेक्स की सेम प्रिंट की जो मेरी दूसरी शर्ट है उस पर क्या डिज़ाइन जी। अब मैं आपको अपनी दूसरी शर्ट की डिटेल बताती हूँ। इसमें देखें मैंने वी गला रखा है और आगे दो पट्टियाँ इस सूरत में लगा दी हैं, जिससे गले की लुक बहुत अच्छी खूबसूरत आती है। दरअसल मैं बाजार नहीं जा सकी तो मैंने इसके ऊपर खूबसूरत से बटन ला के लगाने थे, या टसल्स आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इस शर्ट की आप आस्तीनें देखें, आस्तीनों के आगे भी मैंने कटाव ऊपर की साइड पर रख के मैं बना के शेप दे के उनको ऊपर की साइड वाले, नीचे नहीं ऊपर की साइड पर हैं बनाए हैं मैंने। और इसके नीचे मैंने चेपी बुकरम लगाया है। ये देखें इसके कटाव कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बॉर्डर वही है, इस पिछले शर्ट पे मैंने गोल सर्कल बनाए थे राउंड में, और इस शर्ट पे मैंने ये कटाव से अपसाइड ट्रायंगल्स बनाए हैं। और ये फिर वही दामन सेम आ रहा है कढ़ाई वाला, और इसके घेरे पे आप देखें कितना खूबसूरत घेरा लग रहा है। इसकी भी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत स्टाइलिश लुक आ रही है। चेपी बुकरम लगा के ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, क्योंकि ताकि कपड़ा थोड़ा सा चेपी लगाने से वो चीज़ नफासत में भी आती है और साथ शेप भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने सारे इसके दामन पर ट्राइंगल्स बनाए हैं। इसके नीचे मैंने कोई फोल्डिंग नहीं लगाई और वैसे तरपाई की थी, ये देखें। और ये इस तरह बहुत अच्छा लुक इसकी आ रही है। और सेम ऐसे ही इसकी बैक भी है, बैक की भी ये आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने तरपाई की है। इस पे मैंने फोल्डिंग यूज़ नहीं की, जबकि पहले शर्ट पे मैंने नीचे फोल्डिंग लगाई थी। चलें जी, अब आपने मुझे बताना है ये जो मैंने दोनों शर्ट्स आपको दिखाई हैं, आपको इन दोनों शर्ट्स में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगा, ट्रायंगल वाला या सर्कल राउंड वाला आपको अच्छा लगा है। मैं इसके बाद आपको इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखाती हूँ, वो भी मैंने बड़ा अच्छा बनाया है। लेकिन जी ये ट्राउज़र है, इसके पॉइंटे पे मैंने ये कटवर्क बनाया है। ये कितना, ये देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरह करके ये आएगा। ये कटवर्क बनाया है और कटवर्क के ऊपर पर्पल कलर की मैंने ये पट्टी लगाई है, जो कमीज़ के साथ मैच कर रही है। और ये पेंट ट्राउज़र है, ये देखें ये पेंट ट्राउज़र है, और इसके ऊपर मैंने इलास्टिक डाला है। और जो हिस्सा बेली पे आना होता है उसमें मैंने इलास्टिक नहीं डाला, क्योंकि ये फिर कंफर्टेबल नहीं रहता। ये इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, इस पर मैंने कुछ खास डिजाइनिंग नहीं की, सिर्फ इस पर बेबी पिको की है। और ये सिंपल सा बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें सारे दुपट्टे पे बेबी पिको हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।